तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का आज चुपिश के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों ने पहले तो इसको उतारो भाई, दिख कुछ रहा नहीं है भाई, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ चश्मा पहनेंगे घर के अंदर, वो भी कमरे के अंदर चश्मा। भाई थैंक यू सो मच गाइस सभी लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। खैर अब तो 4.1 से भी आ गए पर यस थैंक यू सो मच फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भाई, इट मीन्स अ लॉट। बट यस आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार Q&A। मैंने तुम लोगों से बोला था कि भाई कुछ क्वेश्चन हैं तो बता दो, मैं आंसर दे दूंगा। 45,000 सवाल, 45,000 क्वेश्चन कौन पूछता है भाई बंदे से, मतलब 45,000 सवाल। अगर मैं बाय चांस एक सेकंड में भी एक सवाल देने लगा तो 45,000 सेकंड लगेंगे, 45,000 सेकंड को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, इतनी अच्छी मैथ से नहीं है मेरी, कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। 45,000 डिवाइडेड बाय 60 तो होता है 750 मिनट, और 60 तो होता है 12 घंटे लगातार, और एक सेकंड में एक आंसर बोल रहा हूँ मैं तो, मिनिमम बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो 12-12.5 घंटे की वीडियो जिसमें मैं सिर्फ एक सेकंड में बोलूंगा देखिए ऐसे तो मजा नहीं आएगा। तो ये भाई मैं बस तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स यार, आई लव यू गाइज यार, मजा आ गया। मतलब यार जाना तो देखो यार सभी का सपना होता है 10 मिलियन तक जाने का, जो हमारा भी है अभी तक का, जिसने भी सपोर्ट दिखाया है यार इट मींस अ लॉट, आई लव यू गाइस। बाकी चलते हैं आगे को बढ़ते हैं, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया कर देना। आज मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन चूज करूंगा और उसके आंसर दूंगा ताकि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए। वैसे मेरा मन था कि 4 मिलियन पे सेटअप टूर दिखा देता हूँ तुम लोगों को, मैं जहाँ काम करता हूँ सब कुछ, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा, हो सकता है 2-4 वीडियो के बाद आए, बट ठीक है देखते हैं। तुम लोगों को अगर देखना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पर अभी तो बढ़ते हैं भाई देखते हैं तुम लोगों कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले भाई सागर गेमर FF की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन, थैंक यू दोस्त, थैंक यू यार। द क्वेश्चन इज इन वन डे हाउ मच टाइम्स यू गो टू वॉशरूम, एक दिन में कितनी बार शौचालय जाते हैं आप, हिंदी में अनुवाद। अरे तुम्हें क्या बंदा कितनी बार सुसुपोटी कर रहा है, खैर अगर तुम्हें सही से बता दूं तो भाई देखो वैसे तो कायदे से एक ही बार जाता हूँ पॉमिटी करने के लिए, और उसके बाद मुश्किल से 5 बार सुसु करने के लिए चले जाता हूँ, और हाँ तो 6 बार ही लग जाते राउंड। लेकिन अगर बाय चांस मेरा जैसा आजकल चल रहा है मैं थोड़ा वेट लूज करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो पानी ज़्यादा पिया जाता है, तो पानी ज़्यादा पीते तो आती है सुसु, पानी जो मैं पी लूँ तो आती है सुसु, तो कभी कभार फिर वो जो 5 बारी का नंबर है वो 10 हो जाता है, तो 11 बार टॉयलेट जाना पड़ जाता है, तो मेरा पेट खराब नहीं है 11 बार टॉयलेट जाने तक का। और अभी तो पेट खराब वाली सिचुएशन मैं बता भी ना हूँ तुम्हें भाई, एक बार मैंने बचपन में इतनी पॉटी करी थी मैं बेहोश हो गया था। अगर तुम्हें वो कहानी जाननी है तो मैं कहानी भी सुना सकता हूँ, पर लेट मी टेल यू इट इज़ फुल ऑफ शिट। गाइस अगला क्वेश्चन आता है बैंगटन फॉर लाइफ 777 BDS आर्मी ऑल डे, तो यस थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सैड एंड अलोन एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग गेम्स, व्हाट कीप्स यू ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर योर गोल्स। देखो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कई बार अकेला महसूस करता हूँ, दुखी महसूस करता हूँ, तो देखो अकेला महसूस करने के लिए तो तुम्हारे पास दोस्त होने चाहिए, दोस्त तुम्हारे पास तभी होंगे जब तुम अच्छे से बातें करोगे, लोगों से तमीज़ से रहोगे, हाँ दब के नहीं रहना कि इससे प्यार से सबसे बात करनी है, बट ऐसा भी नहीं कि सब तुम पे चल के चले जाए, ऐसा वाला भी मत कर देना। तो यस वो चीज़ होती है, अकेले तो तुम कभी नहीं रहोगे, जैसे अगर तुम्हारे पास दोस्त होंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त होंगे, जैसे मेरे पास है भाई मंकुदा है, फिर देव है मेरा, रोनी है मेरे पास, जैकुला द ड्रैकुला है मेरे पास, फिर ऐसे तो मैं कितने दोस्तों के नाम गिना सकता हूँ भाई, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। बट यस कहने का मतलब है कि दोस्त होंगे तो तुम कभी अलोन फील ही नहीं करोगे, सैड फील करने वाली बात आती है तो सैड फेस सबकी लाइफ में आते हैं भाई, मेरी लाइफ में भी आते हैं, और अभी भी थोड़ा बहुत सच्ची बताओ तो कुछ 2-3 दिनों से ना मेरी किसी चीज़ों की वजह से थोड़ा मूड खराब है, पर फिर भी मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ, फिर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, थर्ड लेके आने वाला हूँ भाई, तो वो सब चीज़ है। पर मेरे कहने का मतलब है कि भाई जब तुम लोग ऐसा सैड महसूस करते हो ना, तो तुम्हें सच्ची बताओ तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखो हैप्पी तुम्हें क्या बनाएगा पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तुम हो सकता है जैसे तुम लोग पूछ रहे हो कि व्हाट कीप्स यू ऑलवेज मोटिवेटेड फॉर योर गोल्स, बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे मैंने जादू से चश्मा पहना
वैसे ही भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग अपने आप को हमेशा डाइवर्ट करो चीजों से। कहने का मतलब है कि मैं आज सैड फील करूंगा और मैं आज काम नहीं करूंगा, तुम समझ रहे हो? जैसे आज मैं भाई बहुत सैड हूँ, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, तो कल को मैं इस बात से सैड हो जाऊंगा कि मैंने कल को काम क्यों नहीं करा। तो तुम सिंपल रखो अपना, तुम चाहे सैड हो, हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, चाहे तुम एकदम ही डिप्रेस्ड हो, बट काम नहीं रुकना चाहिए ब्रो। काम करो एकदम मस्त करके, आप अपने दोस्तों से बातें करो, थोड़ा मम्मी पापा से बातें करो अपनी, हो सकता है मम्मी पापा समझते ना हो, बट तुम किसी और चीज़ के लिए बातें कर सकते हो, बस बातें करो, टच में रहो लोगों के, और फिर कुछ भी हो जाए काम करो। पर काम नहीं रुकना चाहिए भाई, काम जहाँ पे रुक जाएगा ना, कल को तुम्हें उस बात के दुख होगा कि तुमने आज काम क्यों नहीं करा, और तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आके टाइम जाके पता चलेगा कि तुमने काम क्यों नहीं करा, क्योंकि समझो यार, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें ये लगेगा कि भाई तुम क्या नहीं कर सकते थे, क्या चीज़ें तुम अचीव नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन आता है ब्लीड शॉर्ट्स की तरफ से, आई हैव नथिंग टू से, जस्ट लव योर वीडियोस एंड ऑल्सो आई रियली लव योर जर्नी, थैंक यू सो मच यार ब्लीड शॉर्ट्स, अपना नाम भी बताते तो अच्छा लगता है मेरे को, लव यू ब्रो, लव फ्रॉम नेपाल। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरा नेपाल आने का बहुत ज्यादा मन है, मेरा नेपाल घूमने का बहुत ज्यादा मन है, बस मुझे कुछ बहाना मिल जाए छोटा सा। भाई मेरा पशुपतिनाथ टेम्पल जाने का इतना ज्यादा मन है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। नेपाल एज अ कंट्री बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और तुम्हारे फिल्म टू भाई का वहाँ आने का भी बहुत ज़्यादा मन है यार, तुम बुलाओ तो सही नेपाल वालों। अगला सवाल आता है साई सर्तन सर्तन साई सर्ट साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट भाई 230 भाई, बहुत खतरनाक नाम है तुम्हारा भाई, मैं तो फपला गया हूँ भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जैक इज फ्रॉम विच कंट्री, ये तो सच्ची बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता है भाई जैक कौन सी कंट्री से है, पर मेरा शक है कि जैक भाई इंडिया से ही है, मेरे को पूरी फीलिंग है कि जैक इंडिया से ही है। अभी देखते हैं भाई, मेरे को एक तरीका तो पता चला है कि जैक का, मैं समझ रहा हूँ तुम बायोडाटा चिट्ठा निकालूंगा भाई, ये मेरे को हल्के में ले रहा है ना बहुत जैक, ये बता नहीं रहा ना कुछ भी मेरे को। व्हेन आर यू डूइंग जैक फेस रिवील, देखो दोस्त जैक का फेस रिवील करेंगे हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे, ये खुद जैक ने बोला है। क्योंकि सीधी बात है यार, जैक ऐसा पर्सन तुम समझ रहे हो ना कि मैं अपने चैनल के लिए ऐसे थोड़ा बोलूंगा चल रहा चला देगा चल, ऐसे नहीं कर सकता ना मैं यार। भाई मतलब वो मेरे को अपना भाई मानता है, और भाई वो चाहता है कि मेरा चैनल ग्रो करे, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या ही होगी। बट यस, उसके साथ साथ वो बोल रहा था भाई कि 10 मिलियन पे ही करेंगे, उसने बहुत पहले बोला था मेरे को क्लिप मिलेगी तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, बट उसने बहुत पहले बोला था कि 10 मिलियन पे करूंगा, मैंने तो बोला 5 मिलियन पे कर दे यार, लेकिन उसने माना नहीं। बट ठीक है, जैक है यूट्यूब चैनल नहीं दोस्त, जैक के नाम का कोई भी तुम्हें यूट्यूब चैनल मिले तो वो फेक चैनल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा मत करना। जैक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंशु बिस्ट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चैनल है नहीं। धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क दैट गेमर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर आईज, प्लीज टेक माय क्वेश्चन, बाय द वे बिग फैन। अरे लव यू यार, थैंक यू सो मच अंशभूत भाई। Q&A में भूत, अरे मोरी मैया जे का देख लो भाई यार, थैंक यू सो मच अंश भाई फॉर दैट। बाकी यार गेमर्स बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन में, देखो मेरे को ना बहुत टाइम बाद पता चली थी ये बात कि अपनी आंखें खराब हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, हम पूरे टाइम पे अगर इतने पास, देखो मेरे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतने पास है मेरे इतने पास मॉनिटर है, मैंने अभी सीधा कर रखा ना हाथ, तो मेरे हाथ के पास इतना मॉनिटर है, और जब तुम पूरे टाइम 8-8 घंटे, जब मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो सर्वाइवल की इन सब के रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कभी कभार 16-16 घंटे भी मैं ग्राइंड कर रहा होता हूँ सिर्फ ऐसे सामान लेने के लिए, तो भाई हम लोग इतनी देर में, भाई तुम समझ रहे हो, इतनी देर तक आंखें गड़ी हुई हैं इस टीवी में, तो भाई जब तुम दूर की चीज़ देखोगे तुम्हें ब्लर दिखेंगी, क्योंकि तुम्हारी आंखें ऐसे एडजस्ट हो गई कि तुम्हें पास का दिखता है, राइट? तो देखो सिंपल सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि तुम हर एक घंटे में या हर 20-30 मिनट में अपने लेफ्ट राइट देखो, अगर तुम्हें दूर दिख सकता है कहीं पे तो दूर देखो, ऐसे ट्राई करो दूर दूर देखने की, तो उससे तुम्हारी आंखें हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगी। बट बेस्ट क्या होता है, जो कि मेरे को बहुत टाइम बाद पता चला, जो कि है भाई कि तुम्हें अपनी आई साइट चेक करानी चाहिए और प्रॉपर ग्लासेस हमेशा पहन के रखने चाहिए, और उसके साथ भाई एक ग्लास आता है मतलब ऐसा ब्लू कट बोलते हैं उसको, ब्लू कट लेंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो तुम्हें थोड़ा सा सैचुरेटेड दिखाते हैं, कहने का मतलब है जो नीली लाइट आती है ना आंखों पे उसको थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, मतलब पीला कर देते हैं थोड़ा सा बेसिकली, तो वो नीली लाइट तुम्हारी आंखें खराब नहीं करती हैं जल्दी। जैसे मैं आगे इसको हटाऊंगा ना मेरे को थोड़ा सफ़ेद दिखेगा, बट इसके साथ मुझे थोड़ा सा ऑरेंजिश सा दिखता है, जिसकी वजह से वो ब्लू लाइट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है इनसे। मैं तो सभी को बोलूंगा भाई, जो लोग भी ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के आगे रहते हैं, चाहे आप अपने वर्क प्रोजेक्ट के लिए रहते हो, या फिर आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रहते हो, या फिर अपने जॉब की वजह से रहते हो, प्लीज़
गेट योर आई साइट चेक्ड और उसके बाद अपने लिए एक चश्मा बना लो ताकि तुम जब भी कंप्यूटर में बैठो तो लो, मेरी वाली गलती मत करना, मेरी आई साइट बहुत वीक नहीं है, मेरी लेफ्ट वाली -5 है, 0.5 -0.5 ठीक है, -0.5 और राइट वाली -0.25 है, शायद से बढ़ भी गई होगी, इसको पता है एक बार चेक करा के मैं भी आता हूँ उनको ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ चेक नहीं कराई है मैंने 3-4 महीने से भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर 4 मिलियन। मेरा क्वेश्चन है कि आप शिवांगी और पॉम क्या सवाल है? नहीं ये सवाल क्या है ये? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर 4 मिलियन। मेरा क्वेश्चन है कि आप शिवांगी और पॉम्पी में क्या डिफरेंस है? आओ दिखाता हूं डिफरेंस, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या डिफरेंस है। ये दद्दा है, मैं छोटी बच्ची हूँ और ये कुत्ता है। नहीं, ये छोटी बच्ची है, मैं कुत्ता हूँ और ये दद्दा है। नहीं, ये पॉम्पी डॉगी है, मैं बड़ा दद्दा अंशु भैया और ये छोटी बच्ची शिवांगी है, और छोटे बच्चे तो घर के मार खाते फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच वर्ल्ड ऑफ ड्रीम भाई फॉर दैट क्यूट कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी कैन यू डांस लाइक वेडनेसडे आइटम्स इन पब्लिक? सेकंड, आस्क अंकल एंड आंटी कि उनको कैसी बहू चाहिए, मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं जाऊं रोड पे, पहले तो मैं पब्लिक में वेडनेसडे वाला ऐसे ऐसे करके डांस करूं ताकि पब्लिक मुझे मारे, और उसके बाद मैं घर में अपने मम्मी पापा के सामने जाऊं और बोलूं तो आपको बहू कैसी चाहिए ताकि वो भी मुझे मारे। खैर उम्र तो हो गई है मेरी शादी वाली, हो सकता है कि मम्मी पापा शादी भी करवा दे मेरी। क्या चाहते हो तुम है? अगर बाय चांस ऐसी बीवी आके जो मुझे कंप्यूटर में वीडियो बनाने नहीं देगी, फिर तुम क्या देखोगे, किसको देखोगे तुम? क्या पता ऐसी बीवी आ जाए जो मेरे साथ वीडियोस बनाने लग जाए। नोट मम्मी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप बैठिए बिल्कुल, आप ये सवाल सुन के आपको कहीं बेहोशी चक्कर ना आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मम्मी से पूछ ही लूँ। तो मम्मी जी, जो मेरे सब्सक्राइबर वो जानना चाहते हैं कि आपको कैसी बहू चाहिए। मेरे को सुंदर, आज्ञाकारी, काम करने वाली, बेसिकली घर का काम ऐसी चीज़। ये देख रहे, बस पहले मम्मी ने पूरी बात घुमाई, सुंदर सुशील, और जैसे मैंने बोला मतलब घर का काम कर काज संभाल लेगी जो, कह रहे हाँ ऐसी चाहिए, ये देख रहा हूँ जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। आई होप तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र भाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हल्द्वानी एज वेल, उत्तराखंड से भी तुम्हें बहुत सारा प्यार, बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भाई। अगला क्वेश्चन आता है रीना चौहान जी की तरफ से, कॉन्ग्रेट्स फॉर 4 मिलियन भैया, थैंक यू, वी लव योर कॉन्टेंट। माई क्वेश्चन इज हाउ आर यू सो गुड एट पीवीपी एंड हैव यू ऑल एसएमपी मेंबर्स हैड अ मीटअप वंस? भाई मेरा बहुत ज्यादा मन है कि हम सारे के सारे एसएमपी मेंबर्स मिले और एक बढ़िया सा मीटअप करें। तुम लोग बताओ, अगर तुम्हें देखना होगा तो हम लोग गारंटीड करेंगे, मैं एक ब्लॉग डालूंगा अंशुविज ब्लॉग्स पे। बट हाँ, हाउ आर यू सो गुड एट पीवीपी? देखो मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, हो सकता है अभी मेरे स्किल्स उतने ज्यादा रिफाइंड ना हो, मैं थोड़ा प्रैक्टिस मारूंगा तो वापस से वो स्किल्स आ जाएंगे। बट देखो मैं पीवीपी में अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उसमें अपने दिन रात एक कर दी थी भाई। मैं लिटरली मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं पूरे टाइम भाई सिर्फ और सिर्फ लाइक भाई मैं लोगों को मारता ही रहता था भाई, मैं मजाक भी नहीं करूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं भाई पूरे टाइम पीवीपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ समझो क्रिट्स कैसे हैंडल करनी है, उसके बाद मैं कैसे फटाफट से सारे पोजीशंस बना सकता हूँ। कि पीवीपी खाली इस चीज़ पे नहीं कि एक के हाथ में स्वॉर्ड है, एक के हाथ में एक्सेस, एक के हाथ में स्वॉर्ड है, तुम आपस में मारो। पीवीपी सबसे ज़्यादा दिमाग से खेली जाती है, जहाँ पर तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किस टाइम पर कौन सा पोजीशन मारना है, तुम्हें किस टाइम पर क्या खाना है। क्या नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं बट बीच बीच में गोल्डन एप्पल खाते हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम गोल्डन एप्पल खा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास 3-4 ही बच्चे, तो तुम समझ रहे हो मेरी बात राइट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीवीपी भाई एक स्किल है, पूरी आर्ट जैसी है, मतलब मैं तो चित्र बना दूं पीवीपी के नाम के। अगला क्वेश्चन आता है कुंजन सिंगल की तरफ से, कांग्रेचुलेशंस फॉर 4 मिलियन बाबू। क्वेश्चन है व्हेन यू टेक योर न्यू होम, वंस अगेन कांग्रेट्स भाई, व्हेन यू टेक योर न्यू होम,
वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अलग है। अच्छा थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच कुंजन भाई फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन, लव यू यार। तुम लोगों की वैसे 4 मिलियन कंप्लीट हुए, 5 मिलियन जाना है, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बाकी भाई मैंने सोचा व्हेन यू टेक योर न्यू होम वंस अगेन, मैंने कहा मैंने कौन से नए घर खरीद दिए भाई मैं तो इस घर में भाई जब से पैदा हुआ तब से रह रहा हूँ। तो वही वाली बात है, देखो व्हेन यू टेक योर न्यू होम, देखो अभी मेहनत कर रहा हूँ भाई धीरे धीरे करके, सभी का सपना होता है इन द एंड ऑफ द डे। मैं सच्ची बताऊंगा एक मिडिल क्लास का सपना ही होता है कि उसका एक अपना घर हो, अच्छा सा घर हो, प्यारा सा घर हो। तो मेरा भी वही सपना है, मैं भी धीरे धीरे करके काम करूंगा, मेहनत करेंगे, देखते हैं भाई जब भगवान की कृपा होगी और बाकी अपनी मेहनत होगी तो किसी दिन हमारा भी अपना घर होगा, किसको पता। लाइक अभी है अपना घर, पर ये तो पापा की देन है ना यार, ये तो पापा लोगों के नाम पे सब कुछ। तो एक दिन हमारे भाई का भी होगा जिसमें पापा रहेंगे और कहेंगे ये मेरे बेटे का घर है यार, ये मेरे बेटे का घर है। मतलब सीधी सी बात है, वो पापा मम्मी का ही है, वो सब कुछ भाई जो भी है हमारा वो सब पापा मम्मी का है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अपने दोस्तों को बताएंगे तो ये मेरे बेटे ने करा है, तुम समझ रहे हो, ऐसे बोलेंगे कि ये जो घर है ये मेरे बेटे ने बनाया है। यस या माय सन भाई मैं रो दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है संजय कुमार भाई की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन सब्स यार, थैंक यू सो मच यार सभी लोगों को। पहले तो यार जितने भी 45,000 लोगों ने कमेंट किया था, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके सारे कमेंट नहीं पढ़ पाया, बट दिल से थैंक यू यार, तुम लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में, इतना अपना भाई मानते हो कि तुम लोग लाइक लिटरली भाई इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, इतना सब कुछ करा, मतलब आई लव यू यार। मैं दिल से बोलूंगा भाई तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें इसमें यकीन करना है नहीं करना है मानो नहीं मानो भाई, आई तो लव यू गाइस यार, करते रहेंगे मेहनत भाई। व्हेन विल यू ऐड मोर मेंबर्स इन लिली विल, भाई मेरा बहुत जल्दी प्लान है कि हम लोग लिली विल में और मेंबर्स को ऐड करें ताकि हम लोग कुछ क्रेजी क्रेजी कंटेंट निकल पाए भाई लिली विल के अंदर। तो मेरा तो बहुत ज्यादा मन है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स घुसा जाए भाई लिली विल के अंदर, लाइक एटलीस्ट 10 मेंबर हो जाए भाई, क्या मजा आएगा। नहीं अभी हम लोग 5 जने आएंगे राइट, मैं हो गया, जैक हो गया, फिर रॉनी है, देव है, फिर कैसल है, तो हम 5 जने अभी के लिए, बट हाँ 5 जने और ऐड करेंगे, एटलीस्ट 10 होने चाहिए लाइक लिस्ट में बोल रहा हूँ, फिर ज्यादा में तो कितने भी हो सकते राइट। अगला क्वेश्चन आ रहा है जस्ट अ गेमर 664 की तरफ से, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्यूटीफुल अचीवमेंट, लव फ्रॉम पाकिस्तान, मैं आपको बहुत सारा प्यार इंडिया से। बाय द वे माय क्वेश्चन इज अबाउट योर वर्क आवर्स और व्हेन यू आर मोस्टली रिकॉर्ड योर वीडियो। भाई अगर तुम किसी यूट्यूबर से उसका वर्क आवर पूछ लोगे ना भाई तो वो मजाक ही है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं सच्ची में, वो ना मजाक बन के रह जाती है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूं। मेरा कैसा है मुझे ही नहीं पता है कि मैं कब रिकॉर्ड करने वाला हूँ भाई, आजकल तो खास करके मेरी वर्क जो शेड्यूल है वो इतना ख़राब हो चुका है ना कि मैं एक एक दिन ना सो के भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कल मैंने ब्लॉग करा, मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोया ही नहीं क्योंकि मुझे पता था, मुझ पर खुद को भरोसा नहीं था कि मैं सुबह को उठ के फटाफट से सारा काम कर पाऊंगा, मुझे अपनी बाइक लेके आने भी ब्लॉग करना था। तुम लोग कल के ब्लॉग में वो चीज़ देख लोगे, बट मेरे कहने का मतलब वही है कि भाई मैं सच्ची बताऊँ स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा ना कि मैं कभी कभार सुबह के 8 बजे सो रहा हूँ और फिर शाम को उठ रहा हूँ, और फिर कभी कभार ऐसा हो रहा है कि मैं बिल्कुल एकदम सो ही नहीं रहा हूँ, सुबह काम में लग जा रहा हूँ, उसके बाद दिन में सो जा रहा हूँ, फिर रात को उठ जा रहा हूँ 8 बजे। भाई बहुत ही गंदा स्लीप शेड्यूल है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक मेरे को ये चीज़ ठीक करनी है भाई, मेरे को ये चीज़ कैसे भी ठीक करनी है, मुझे खुद नहीं पता मैं कब काम कर रहा होता हूँ, पर काम तो कर रहा होता हूँ भाई, देखो काम तो चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई जीनियस गेमर की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फॉर 4 मिलियन यार, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड योर कॉन्टेंट बिकॉज यू नेवर फेल टू मेक अस लाफ। अरे यार थैंक यू सो मच। व्हाट इज जैक्स रियल नेम बता दूं, जैक का असली नाम बता दूं तुम लोगों को आज, चलो बता ही देते हैं, जैक का असली नाम है जैकुला द ड्रैकुला। मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता भाई जैक का असली नाम क्या है, तो मैं कैसे बताऊँ भाई, मैं भाई तुम क्या बोलूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता जैक का असली नाम क्या है, मैं तुम्हें कैसे बता दूँ। व्हाट इज योर बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ, देखो बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट, यार बेस्ट मोमेंट पता नहीं क्यों यार आज भी मेरे को लगता है कि यार पता नहीं यार ऐसे ना बहुत सारे बेस्ट मोमेंट है यार, अगर मैं ऐसे गिनने गया ना तो बेस्ट मोमेंट बहुत ही सारे, मतलब मैं ना कितनी चीज़ें गिना सकता हूँ तुम लोगों को, लाइक तन्मय भाई के साथ खेलना, फिर ऐसे ही कितने सारे क्रिएटर्स के साथ और खेला, अपना खुद का SMP बनाया, फिर उज्ज्वल भाई के साथ आया, मैं ऐसे बहुत सारे, लाइक पहली बार हैरियर ली थी पापा मम्मी की चेहरे की खुशी, ऐसे बेस्ट मोमेंट बहुत सारे हैं, बट पता नहीं क्यों मेरे को लाइक अगर बेस्ट मोमेंट्स में से बोलेंगे ना तो लाइक मेरे को यार उज्ज्वल भाई के साथ हैंग आउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं पता, लाइक हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, हम बहुत एक्स्ट्रोवर्टेड घूमने उमने निकल जाते हैं ऐसे करके, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट मेरे को यार उनके साथ हैंग आउट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बेस्ट में अगर बोलेंगे, अगर यूट्यूब वाइज बोल रहे हैं, ठीक है यूट्यूब वाइज बता रहा हूँ, तो कैरी भाई के साथ जब मैंने पहली बार स्ट्रीम करी थी ना भाई,
वो भी नेक्स्ट लेवल थी यार, पता नहीं क्यों भाई। कैरी भाई जब फर्स्ट टाइम फ्लीट एसएमपी में आए थे भाई, कैरी भाई भी फ्लीट एसएमपी में आए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देखना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो कैरी भाई के साथ भी जब मैं पहली बार मिला था भाई, सबका लाइक समझ रहे हो ना तुम लोग, क्या मैं भी जिस टाइम पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं भुवन भाई इन सबको देखता था, कैरी भाई को भी बाद में देखना स्टार्ट करा मैंने, तो वो तो भाई एकदम ड्रीम जैसा था भाई उस टाइम पे। तो वो तो भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है अगर यूट्यूब की बात करेंगे। बाकी वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ, यार वर्स्ट मोमेंट आई थिंक यार किसी की भी लाइफ में वर्स्ट मोमेंट आई गेस यही होगा कि जब तुम्हें पता है कि तुम कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मेरे उसमें था कि मैं बचपन में यार नए कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे कपड़े अगर फट जाते थे तो मम्मी सिल देती थी, फिर मम्मी अगर बाय चांस, फिर कभी कभी बुरा भी लगता था तो मैं फटे फटे कपड़े पहन के चल जाते थे स्कूल में, मजाक उड़ाते थे सब लोग की पुराने कपड़े पहन के आ रहे हैं गंदे कपड़े, क्योंकि मेरे जो चाचा लोग हुआ करते थे जो थोड़े रिच होते थे तो वो जब बड़ी क्लास में आते थे वो थोड़े बड़े जाते थे, फिर उनके कपड़े हम पहनते थे तो वो गंदे ही लगते हैं ना, फिर पुराने ही लगते हैं, यूज्ड ही लगते हैं, पीले पीले हो जाते थोड़े कपड़े सबके, वाइट वाइट चमकते कपड़े होते थे, तो वो थोड़ा सा ऐसा वर्स्ट मोमेंट उसको बोल सकते हैं मतलब। लेकिन भैया उसी से काफ़ी चीज़ें सीखी भी लाइफ में, तो वो आई थिंक अच्छी चीज़ भी रही। लाइक वर्स्ट मोमेंट उनको भी बोलेंगे भाई जिस समय पे तुम्हें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं छोटे छोटे चीज़ के लिए, तुम्हें खाना खिलाने के लिए, तुम्हें कपड़े दिलाने के लिए, लेकिन तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। आई थिंक वो भी वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ में से एक हैं। पर ये वीडियो थोड़ी सी फनी और मज़ेदार उसमें जा रहा है, तुम गलत मत ले जाओ इसको यार, तुम्हें अच्छी चीज़ें पूछो, मतलब अच्छी चीज़ ही थी वैसे, आई लव यू भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब तुम समझ रहे हो थोड़े साइड वाइड में नहीं जाते। अगेन कॉन्ग्रेट्स एंड कीप ग्रोइंग, वी आर ऑलवेज विद यू, और मैं हूँ तुम्हारे साथ, लमो ब्रो, लमो ब्रो, लमो, लमो टू। अगला क्वेश्चन है फैक्टोसाइल की तरफ से, भाई बोलते हैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 4 मिलियन, और मेरा क्वेश्चन है कि फ्लीट एसएमपी का न्यू एपिसोड कब आ रहा है और जैक की वॉइस रिवील कब होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार तुम लोग, यार मैं इतना बूढ़ा लगने लग गया हूं क्या भाई, यार भाई मैं कि ये देखो तुम यार, डैम यंग, जवान हूं मैं, तुम लोग यार हल्के में ले रहे हो भाई को, भाई इतना जवान इतना प्यारा लड़का तुमको कहां मिलेगा रे, अरे कहां मिलेगा तुम्हें इतना जवान इतना प्यारा, ये देखो तुम लोग साइड भी देखो, hey. I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue. I drank too much water and that's an issue. क्योंकि हर 2 मिनट में सुसु आ रही है, क्या करूं बताओ हाँ, और गलती से अगर कोई और सुसु में होता है मतलब टॉयलेट में होता है तो फिर मैं अपनी सुसु कैसे रोकूं? Can't tell you यार problems. तो भाई है भाई तुम मेरी शादी के पीछे पड़ जाओ भाई, यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कि भाई तुम्हारी यूट्यूब इनकम क्या है, लॉर्ड सबसे ज्यादा पूछ रहे भाई तुम्हारी शादी कब होगी, 45,000 लोगों को बुला दूंगा शादी में जितने आ रखे कमेंट करने यहाँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन, दोबारा पढ़ते हैं, फ्लीट एसएमपी का न्यू एपिसोड कब आएगा ब्रो? इस वीडियो के बाद चाहे 1 महीना लग जाए लेकिन अगली वीडियो फ्लीट एसएमपी की आएगी और इतनी धमाकेदार आएगी ना कि तुम लोग भाई सर्टे फाड़ दोगे और बोलोगे नहीं यार फ्लीट भाई मेरी छाती पे साइन मारो यार, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, लो मार दो मेरी छाती पे भाई, स्पाइन नहीं साइन, साइन मार दो मेरी छाती पे, ऐसे करके बोलोगे तुम, इतनी प्यारी वीडियो दूंगा तुम्हें भाई, तुम लोग कह दोगे भाई वाह मजा आया। और बाकी है जैक की वॉइस रिवील कब होगी, भाई सिंपल सी बात है, बोल रखा है 5 मिलियन पे जैक की वॉइस रिवील होगी, इसके तो घर में जाकर पकड़ के इसको लेके आऊंगा और उसके बाद वॉइस रिवील करूंगा, चाहे फेस नहीं रिवील करेंगे क्योंकि जैक ने खुद बोला हुआ है फिर वो चीज उसके अगेंस्ट हो जाएगी, पर इसने बोला है भाई 5 मिलियन पे वॉइस रिवील करूंगा, अब तो दिखाऊंगा भाई मैं, 5 मिलियन पे इसकी आवाज रिवील नहीं कर दी ना मैंने भाई, जैक की वॉइस रिवील कब होगी कब होगी कब होगी भाई, जैक की वॉइस रिवील होगी 5 मिलियन, 5 मिलियन पे जैक की वॉइस कैसे भी लेकर आऊंगा तुम देखो बस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शादी कब है और जिस दिन होगी तो एड्रेस के साथ डेट मुझे मेल कर देना, मैं भी आ जाऊंगा, लॉट्स ऑफ लव अंशु भाई। ईमेल ईमेल क्या ईमेल बता दो मैं तुम्हारे घर पे भिजवा देता हूँ, छुप के शादी कर रहा हूँ कल को मंदिर में, तुम्हें भी बुलवा लूंगा है ना, थोड़े मंत्र पढ़ने आते हैं नहीं, चलो कोई नहीं, माला फूल तो फेंकना आते होंगे, लाओ ईमेल बताओ फटाफट, हाँ ईमेल तो लिख देते यार, ऐसे कैसे भेज दूंगा बताओ, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हारा ईमेल कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई सैड्रू गेमिंग की तरफ से, भाई बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वामू भैया, वामू नहीं वामू नो, थैंक यू सो मच, और तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बस इतनी सी बात,
इतनी सी बात, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कौन पूछता है भाई। इस बंदे ने क्या नाम था इनका, दोबारा से देखूं एक बार, नाम है भाई का वन अपॉन टू इंटू डायगनल्स लेंथ इंटू सम ऑफ हाइट ऑफ टू ट्राइंगल्स इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बाय द वे आई डिडंट कैच योर नेम, सैड्रू गेमिंग भाई ये है, ठीक है। इनको लगता है कि गूगल से देख के बता रहा हूँ मैं, हैं तुम्हें लगता है मैं गूगल से देख के बता रहा हूँ। And the formula to find the area of quadrilateral is derived from area of. अगला क्वेश्चन है अवंती का, अवंती अवंती कद कदवी वेदी जी की तरफ से। आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, अगर गलत ले रहा हूँ तो आई एम सॉरी। बाकी ये बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वामू फॉर 4 मिलियन सब्स वंस अगेन, थैंक यू। क्वेश्चन 1, फ्लीट एसएमपी की वीडियो कब आएगी? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, कैसे भी होगा अगली वीडियो फ्लीट एसएमपी की आएगी। जैक का वॉइस रिवील कब होगा? नॉटी नॉटी, 5 मिलियन पे, 5 मिलियन पे जैक का वॉइस रिवील होगा। अरे भाई शादी कब? अरे तुमको मेरी शादी से, मम्मी बस बहुत हो गया, मंडप लगवाओ, आज ही शादी कर रहा हूँ, आज ही कर दूंगा। आगे मजे मारगिल वादी, मेरे को आगे मजे। आज का आखिरी क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट ले रहा हूं मैं भाई, मैं परेशान हो गया हूं भाई। भाई मुझे नहीं पता था, मुझे आज तक मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता था मेरी शादी की उम्र हो गई है भाई। आज मुझे फील हो रहा है कि भाई इट्स टाइम टू गेट मैरिड यार। हेयर आर माई क्वेश्चन, इफ यू कुड चेंज एनी वन थिंग इन योर लाइफ व्हाट वुड यू चेंज? माई स्लीपिंग शेड्यूल। और लोगों के दिमाग में ये शादी वाला क्वेश्चन। सेकंड, इफ यू कुड एवर स्टार इन अ मूवी, विच मूवी विल इट बी एंड व्हाई? अगर मैं किसी मूवी में जा सकता तो वो कौन सी मूवी होती है और क्यों? ये मूवी वाले सवाल मैं देता हूँ जवाब, मैं ज़्यादा पिक्चर नहीं देखी ना तो मुझे पता नहीं है। वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में अगर मेन रोल मुझे मिल जाता, जो स्टार लॉर्ड का रोल है, तो मैं कुछ देखता, बट ठीक है कोई बात नहीं, थेनोस वाली शक्ल लेके स्टार लॉर्ड बनने चले हैं भैया, बात देख लो इनकी। ये है कि दो चश्मे लगाए क्यों है मैंने। हाउ डिड यू एंड जैक बिकम फ्रेंड्स? भाई ये कहानी जो है ना, ये है मेरे पूर्वजों की। देखो मैं बताता हूँ, जो जैक के पूर्वज थे जो साइकिल चलाते थे, और मेरे पूर्वज जो थे वो बैठ के जैक के पूर्वजों को साइकिल चलाते हुए देखते थे और वो मजे लेते थे। जैसे जैक के पूर्वज जो रोप है उसमें साइकिल चला रहे, तुम्हें पता है, जिसको पता है कि कहाँ बात हो रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसे पता है। तो जो जैक के पूर्वज होते थे वो रोप में साइकिल चलाया करते थे, मेरे पूर्वज नीचे से देख के ताली बजाया करते थे। तो ऐसे ही होते रहा, एक दिन जैक के पूर्वज जो थे वो साइकिल से गिरने वाले थे, तभी मेरे पूर्वज ने उड़ के उनको एकदम से बचा, मेरे पूर्वजों के पास उड़ने की शक्ति थी तो उनने एकदम से उन्हें बचा लिया, और उसके बाद तब से उनके आपस में दोस्ती हो गई। क्यों वो तो मैं भी नहीं जानता, मजाक कर रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, तो जैक और मैं कैसे मिले, ट्रूथ वाली स्टोरी ये है कि भाई मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, सबको पता है गेमर फ्लीट पे। तो भाई जैक ऐसी उस टाइम में मतलब बहुत क्रेजी वॉचिंग आती थी, थोड़ी अच्छी खासी वॉचिंग आती थी, बट क्रेजी वॉचिंग नहीं थी एकदम जैसा अभी। तो भाई तुम लोग 35,000 लोग आ जाते देखने के लिए, भाई तुम लोग क्रेजी तो हो तुम लोग भाई। तो यस, तो भाई उस टाइम पे मतलब जैक का ऐसी कॉमेंट मेरे को दिख जाता था बीच में, भैया मैं भी आ जाऊँ, मैं भी खेलूँ, मैं भी ये करूँ, मैं भी निकले यहाँ से, ऐसे करता था मैं उसको। और एक दिन गलती से भाई ऐसा हुआ कि हम लोग मिल गए स्काई ब्लॉग में। अब स्काई ब्लॉग तो उनको पता है, मेरी पुरानी सीरीज जिसने देख रखी है, और अभी स्काई ब्लॉग क्यों नहीं डालते वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते कि भाई स्काई ब्लॉग क्यों बंद कर दिया, वो भी मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। बट मेन चीज़ ये है अभी के लिए कि भाई जैक से कैसे मिले। तो जैक स्काई ब्लॉग में आया था, उसने मेरे को स्कैम कर दिया गंदा वाला, और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हो गई। भाई स्कैम करा, जब मुझे पता चला पैसे वो वापस देगा नहीं, तो मैंने उसको अपने किराए के उसमें मतलब काम पे लगा लिया अपने वर्ल्ड में, और बस तब से हमारी दोस्ती हो गई। और आज उसका क्या कहते हैं, मेरे ही वन ब्लॉक में आधा कब्जा करके बैठा हुआ है वो, तुम समझ रहे हो, मेरा वन ब्लॉक अब भाई मालिक वो बन गया है। ये होता है दिन पलटना, इसको बोलते हैं भाई।
बाकी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि भाई तुम क्या कहते हैं पी क्यों नहीं डालते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पी क्यों नहीं डालते। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अभी मैंने जो अपना फोन है वो वन प्लस से स्विच कर लिया है भाई S23 अल्ट्रा पे, तो S23 अल्ट्रा में जब मैंने लॉग इन करा मतलब अपना माइनक्राफ्ट पी, तो माइनक्राफ्ट पी में मेरे बेसिकली पुराना वर्ल्ड आया ही नहीं, तो मेरे को ये हो रहा था कि नया वर्ल्ड करूँ स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, लोग देखने देखें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर नया वर्ल्ड हम लोग स्टार्ट करें पी में फ़ोन में खेलते हुए, थोड़ा बहुत वैसा एक्सपीरियंस भी है अब, खैर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बट तुम लोग बताना मैं तो स्टार्ट करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार स्काई ब्लॉग क्यों डालते हैं, स्काई ब्लॉग में ना कॉन्टेंट की कमी है यार। देखो मैं तुम्हें क्लियर बताऊँगा, जब तक मेरे को यार ऐसा होता ना कि कॉन्टेंट मेरे को पता है क्या डालना है, तो मैं तब तक स्काई ब्लॉग दबा के डालता था, बट जहाँ से मेरे को खुद फील होने लगे ना कि यार कुछ है ही नहीं करने के लिए क्या करूँ बैठ के यार, तो वहाँ से ना फिर मैंने खुद करना बंद कर दिया। तुम समझ रहे हो मैं खुद खेलने का मन लाइक खत्म हो गया था। जैसे अभी सर्वाइवल तुम देखते हो, वन ब्लॉग देखते हो, मेरे को उसमें ना मज़ा आता है क्योंकि मेरे को पता है कि और चीज़ें कर सकते हैं, और चीज़ें जो हम कर सकते हैं, तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। बट यार स्काई ब्लॉग में मेरे पास आइडियाज ही खत्म हो गए, तो फिर करने में रिकॉर्ड करने में ही मज़ा नहीं आ रहा है, तुम समझ रहे हो वो वाली बात। गाइज यार ये तुम्हारा 4 मिलियन स्पेशल Q&A, आई होप आप लोगों को देखने में मजा आएगा और मैंने ज्यादातर सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार, तब तक ले बाय। और बता शादी कब कर रहा फिर? अरे मम्मी तुम भी भाई यार सब मिल रहा।